नागपुर शहर के लिए 25 जुलाई यानी शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा। नागपुर महानगर पालिका में आयुक्त पर विराजमान होने के बाद तुकाराम मुंडे ने पहली बार लोक प्रतिनिधि के साथ बैठक लेकर कोरोना संक्रमण को लेकर जनता कर्फ्यू का संयुक्त निर्णय लिया, मगर ये मनोमिलन कुछ समय के लिए ही था। इस निर्णय के कुछ घंटों बाद ही शहर के लॉकडाउन के बारे में दोनों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। जनता कर्फ्यू पहले दिन शहर का जायजा लेने के बाद आयुक्त तुकाराम मुंडे ने अपने प्रतिक्रिया में कहा कि जनता कर्फ्यू की जानकारी मिलते ही शहर की जनता ने चीजें खरीदने के लिए भीड़ की, इससे जनता कर्फ्यू का उद्देश्य ही खत्म हो गया, मगर आगे जाके जनता ने इसका ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो हमें लॉकडाउन लगाना होगा। नागपुरकरांनी जनता कर्फ्यू म्हणून मनावर घेतलेला आहे। घराच्या बाहेर शक्यतो कोणी पडलेलं नाही आहे। शॉप्स आहेत, इस्टॅब्लिशमेंट आहे, यांनी आपल्या इस्टॅब्लिशमेंट बंद ठेवलेलं आहेत। फक्त मेडिसिन आणि हे शॉप चालू ती आवश्यक आहे, ते चालू राहिलेही पाहिजेत। चांगली गोष्ट आहे की नागरिकांनी मनावर घेतलं तर त्याचा काय परिणाम होऊ शकतो हे याच्यातून दिसून येतं। माझी विनंती एवढीच आहे की जनता कर्फ्यू आपण 2 दिवसाचा ठेवला आहे, अशाच प्रकारचा राहावा असं मी आवाहन करतो। परंतु अशाच पद्धतीनं आपली जीवनशैली जी आहे कोरोना गाईडलाईनच्या बाबतीत राहिली, ना जनता कर्फ्यू करण्याची वेळ येईल, ना प्रशासकीय कर्फ्यू किंवा लॉकडाऊन करण्याची वेळ येईल। आणि म्हणूनच मी अनेक वेळेस अनेक दिवसापासून हे सांगतो आहे की कृपया करून आपण आपल्या जीवनशैलीचा स्वतःसाठी विचार करा आणि स्वतःच्या कुटुंबासाठी विचार करा। आपण COVID-19 नाम जर पाळले तर निश्चित प्रशासनाला आणि शासनाला कर्फ्यू लावण्याचा किंवा लॉकडाऊन लावण्याचा कोणताही इंटरेस्ट राहणार नाही, आवश्यकता भासणार नाही। आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून हे 2 दिवस आपण अशा पद्धतीनंच स्वयंस्फूर्तीने जे करत आहे अशाच पद्धतीनं आपलं जीवनस्टाईल, गरज असेल तर घराच्या बाहेर पडा, घराच्या बाहेर पडताना मास्क कंपल्सरी वापरा, सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करा। इस्टॅब्लिशमेंटनी आपल्याला जे रेग्युलेशन दिले त्या दृष्टीनं ते इस्टॅब्लिशमेंट किंवा शॉप्स चालवावेत आणि नागरिकांनाही ते मार्केटमध्ये जाताना त्या गाईडलाईन्स पाळूनच त्याचं पालन जर केलं तर आपला जो कोरोना व्हायरस आहे याची चेन आपण ब्रेक करू शकतो आणि इतर वेगळे मेजर्स घेण्याची त्याला आवश्यकता राहणार नाही। ये तो थी आयुक्त इनकी प्रतिक्रिया, मगर शहर का जायजा लेने के बाद महापौर संदीप जोशी ने आयुक्त के विपरीत प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधि पहले से ही लॉकडाउन के विरोध में है, जनता ने खुद होकर नियमों का पालन करना चाहिए। कहूंगा नागपुर की जनता को कि उन्होंने जनता कर्फ्यू को अच्छा प्रतिसाद दिया है। ये जनता कर्फ्यू एक लिटमस टेस्ट है, क्योंकि नागपुर में पिछले अनेक दिनों से एक संभ्रम चल रहा है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं। अब लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए ऐसा मैक्सिमम नहीं 100% जनप्रतिनिधियों का मत है। तो लॉकडाउन अगर लगाना नहीं है तो हमने सबने अनुशासन का पालन करना बहुत अत्यावश्यक है। अब अनुशासन का पालन यानी क्या है कि हमने अत्यावश्यक न हो तो हमने घर के बाहर निकलना नहीं है, हमने मास्क पहनना है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ऑड इवन हो या सरकार के कोई भी दिशा निर्देश है तो उसका हमने पालन करना अत्यावश्यक है। इसलिए ये प्रयास है कि आज और कल 2 दिन जनता कर्फ्यू हो, जनता का खुद का इन्वॉल्वमेंट रहे। सोमवार से लेके गुरुवार तक सारे राजकीय पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक, खासदार शहर में उतरेंगे, जनता को आह्वान करेंगे, और उसके बावजूद भी अगर जनता अनुशासन का पालन नहीं करती तो 31 तारीख को फिर लॉकडाउन के बारे में विचार करेंगे। ये बताइए, नागपुर हमेशा मॉडल के रूप में काम करता आ रहा है, नागपुर की अपनी एक देश के अंदर में पहचान है, तो ये नागपुर का मॉडल पूरे देश में बना रहे इसके लिए नागपुर को लेकर, जनता को लेकर आपने जो प्रयास चलाए हैं, किस प्रकार से आपका दिल से आह्वान है कि कैसा ये मॉडल विकसित होगा? देखिए, नागपुर ने अक्सर अपने आप को देश के सामने रखा है। अगर हमने प्रयास किया तो हो सकता है, अगर मैंने प्रयास किया तो हो सकता है, आप सभी ने प्रयास किया तो हो सकता है। तो इसलिए प्रयास ये जरूरी है, और कोरोना को अगर हद पार करना है तो अनुशासन के सिवा और कुछ भी नहीं है। अनुशासन का पालन किया तो कोरोना हद पार, और अनुशासन का पालन अगर नहीं किया तो कोरोना के साथ में हम हमारे घर में लेके जाएंगे कोरोना को। एक चीज़ हमने और आपने समझना चाहिए कि हम कमाते किस लिए है, तो जो हमारे बच्चे हैं घर पे उनके लिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ बाप है घर पे उनके लिए, अगर कल वही हमारे साथ में नहीं रहे तो ये कमाने का, ये बाहर निकलने का इसका फ़ायदा क्या रहेगा,
इसके बारे में हम सभी लोगों ने सोचना चाहिए। संदीप जी, अभी भी जो लोग चोरी छिपे दुकानों को खोल रहे हैं, चला रहे हैं, तो क्या पकड़े जाने पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? महानगर पालिका ने, पुलिस प्रशासन ने 5,000 रुपये का दंड करने का की तैयारी की है। मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो परिसर में अभी 4 जगह पे दंड भी हुआ है। उनको भी प्रार्थना है कि कृपया ये मत करिए। आपसे भी ज़्यादा गरीब लोग जो है वो इसमें सम्मिलित है, उन्होंने अनुशासन का पालन करना तय किया है, आप भी करिए।